चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वो कहता है जी कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको दो हिस्सों में तोड़ना है, छोटे बड़े हिस्से या जो हिस्से हैं उसमें तोड़ना है और ऐसे प्लेस करना है ताकि फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हो। तो कैसे तोड़ूँ ये बताओ। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन में होगा क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, आधा आधा तोड़े तो फोर्स मैक्सिमम होगी। इसको करने का तरीके कई तरीके हैं और मैं सबसे आसान तरीके में बिलीव करता हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। ये तो किताबी तरीके जो मैंने लिखे हुए हैं वो करने नहीं है, आप एक लाइन में आंसर सुनो इसका। इमेजिन करो आपके पास चार्ज 10 कूलम है और मैंने ये कहा कि इसको तोड़ना है आपने 10 कूलम को दो हिस्सों में, कैसे भी तोड़ो फोर्स मैक्स है, आर चेंज नहीं करना, दो टुकड़ों के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो कोई स्टूडेंट आया वो कहता है जी 1 कूलम 9 कूलम कर दो, दूसरा कहता है 2 कूलम 8 कूलम कर दो, फिर नेक्स्ट 3 और 7 कर दो, 4 कूलम और 6 कर दो, 5 कूलम और 5 कर दो, 6 कूलम और 4 कूलम, वो तो सेम ही हो गया, रिपीट हो गया पैटर्न, ठीक हो गया। अब देखो जो फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2 r² है। देखो ये तो मैं चेंज कर नहीं रहा, ये तो मैं चेंज कर नहीं रहा, तो फोर्स अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्ट इसका कितना आ रहा है Q1 Q2 का 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना 16, इनको मल्टीप्लाई करके कितना 21, 24, 25, 24 एंड डिक्रीज, सबसे मैक्सिमम कब आ रहा है जब आपने दोनों को इक्वल डिवाइड किया, चेक कर लो। तो इसका मतलब अगर चार 10 कूलम है तो 5-5 में मैक्स है, और अगर क्यू कूलम है तो क्यू बाय टू एंड क्यू बाय टू पे मैक्स है, आंसर मार्क कर लेना क्यू बाय टू, क्यू बाय टू। ऐसे ग्रेविटेशन के अंदर सेम क्वेश्चन है कि अगर कैपिटल एम मास के दो टुकड़े करने हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है, बोलो कैसे तोड़ू उन मास को एम बाय टू और एम बाय टू बाय, तो सीधा आंसर मार्क करना है, राइट। तो बस ये तरीका मोर देन सफिशियंट है, पर बुक्स में ऐसे लिखा होता है, जरूरत नहीं है करने की। देख लो कि मान लो मैंने उनके दो टुकड़े कर दिए, एक छोटा क्यू और एक क्यू माइनस क्यू, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स को मैक्सिमम करना है, हमने मैक्सिमा मिनिमा किया हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है उसे डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करें, जो निकालना है क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू इस फोर्स की वैल्यू को पुट करें, ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जीरो से कट जाएगा और q into q यह टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन करें, dq/dq 1 है, कैपिटल q बच गया, यहां से 2q बच गया, आंसर q/2। ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को आंसर वैसे ही पता है q/2 q/2, वैसे बता दिया कि बुक्स ऐसे करती हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एकदम आंसर याद हो गया q/2 q/2, डन। सब्जेक्टिवली आएगा नहीं, बोर्ड में आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधा आंसर क्लियर है, तो ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज है, लेकिन दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, दूसरी बॉडी एक रॉड है, थिन रॉड है, पतली रॉड है, पतली रॉड पे चार्ज कैपिटल क्यू है और पतली रॉड की जो लेंथ है वो एल है। क्वेश्चन है स्मॉल क्यू और इस पूरी रॉड का चार्ज क्यू में फोर्स निकाल लो क्या होगी। तो एक स्टूडेंट कहता है जी कूलम लॉ लगा दो, मैंने कहा कूलम लॉ कैसे लग जाएगा, क्योंकि कूलम लॉ कब वैलिड है, जब दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कूलम लॉ से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर एक स्टूडेंट आया वो कहता है एक और तरीका है, मैंने कहा कहता जी +1 करके आए हैं, सेंटर ऑफ मास ले लो, सेंटर ऑफ मास की जगह सेंटर ऑफ चार्ज ले लो। तो इमेजिन कर लो इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, फिर बन गया पॉइंट चार्ज। अनफॉर्चुनेटली +2 में सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मासेज में चलता है, चार्ज में चलता नहीं है। तो आप किसी भी बॉडी में ये ना कहें कि इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ चार्ज का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वहां सारा चार्ज पड़ा होगा, इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, लगाओ कूलम लॉ, नहीं चल सकता, तो मतलब वो भी फेल हो जाता है। तो अब आपके पास बचा फिर वापस कूलम लॉ ही। अब कूलम लॉ पॉइंट चार्ज पे चलता है, तो आप एक काम करें, पूरी रॉड तो पॉइंट चार्ज है नहीं, आप इस रॉड का छोटा सा पॉइंट ले लें, ये रहा वो टुकड़ा पॉइंट, इस पॉइंट पे टोटल चार्ज तो क्यू है, रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट पे छोटा चार्ज है डी क्यू, है ना, क्यू का डी क्यू, इससे छोटा तो हो नहीं सकता।
एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक हो गया। और ये एलिमेंट कोई स्टूडेंट कहां लेगा, चाहे यहां ले चाहे यहां ले, जहां मर्जी ले। इमेजिन कर ले कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दूरी क्या है, एक्स, और एक्स तो वेरिएबल है। जो स्टूडेंट जहां मर्जी चार्ज ले उसका डिस्टेंस तो एक्स ही लेगा। अब एक्स तो वेरिएबल ले लिया मैंने, तो अगर कोई ये पूछे कि क्या डी क्यू और क्यू पे कूलम लॉ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि अब ये दोनों क्या एक्ट कर रहे हैं, लाइक अ पॉइंट चार्ज। लेकिन फोर्स टोटल नहीं आएगी, फोर्स स्मॉल आएगी, बिकॉज इनमें से एक चार्ज छोटा है तो फोर्स भी छोटी आएगी। तो इन दोनों में क्या फोर्स आएगी, 1/4 pi epsilon naught q इंटू छोटा चार्ज क्या है डी क्यू, डिवाइडेड बाई इनके बीच में दूरी कितनी है एक्स, एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, तो क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये इनके बीच में स्मॉल फोर्स आ गई, पर हमें इस एलिमेंट और इसमें स्मॉल फोर्स थोड़ी ना निकालनी है, अपने को तो रॉड और पॉइंट चार्ज में फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, पहले यहां लेंगे उसमें फोर्स डीएफ निकलेगी, फिर अगला एलिमेंट यहां लेंगे उसमें निकलेगी डीएफ, फिर अगला यहां लेंगे, करते 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 पूरी रॉड के एलिमेंट्स लेंगे, सभी डीएफ को इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो इसमें क्यू और डी क्यू में तो आ गई फोर्स ये रही। अगर मैं पूछूं कि डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू पे जो ये जो क्यू चार्ज है ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर टोटल लेंथ रॉड की एल है तो टोटल चार्ज रॉड पे क्यू है। जैसे वो कर रहे थे मास की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे, अगर लेंथ एल है तो मास एम है सेंटर ऑफ मास में, बिल्कुल वैसी अगर टोटल लेंथ एल है तो चार्ज क्यू है, अगर लेंथ यूनिट है तो क्यू बाय एल है, और अगर ये लेंथ स्मॉल कितनी है डी एक्स है, तो इसकी चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स है, डी क्यू आ गया। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आप इस डी क्यू की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दें, पुट कर दिया यहां पे, तो आपने क्या निकाला, वहां से डी क्यू निकाल लिया, डी क्यू निकालना आ गया, क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, वन पे क्यू बाय एल है, डी एक्स पे क्यू बाय एल इंटू डी एक्स है। इस डी क्यू को यहां निकाला, और ये स्मॉल फोर्स है, अपने को तो पूरी रॉड को कंसिडर करना है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, दोनों साइड की इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स की चल रही है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट्स ले लिए, जो पहला एलिमेंट होगा आप कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, पहले फोर्स इसमें इसमें निकलेगी, फिर अगला एलिमेंट यहाँ लेंगे, फोर्स इसमें इसमें निकलेगी, फिर अगला एलिमेंट अगला नेक्स्ट लेंगे इसमें निकलेगी, करते करते आखिरी एलिमेंट यहाँ पे लेंगे। तो जो पहला एलिमेंट लेंगे उसकी दूरी यहाँ से क्या होगी, x की वैल्यू देखो, लिमिट किसकी पुट करनी है, x की, क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x है, तो x की लिमिट क्या पुट करेंगे, r। तो x पहला एलिमेंट जब यहां पर होगा तो x किसके इक्वल हो जाएगा, r के, और जब आखिरी एलिमेंट यहां पे होगा बिल्कुल कॉर्नर पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस l। तो पहले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू कितनी, r, आखिरी एलिमेंट के लिए x की वैल्यू r प्लस l। तो लिमिट्स चेक कर रहे हो R से लेके R प्लस, तो पूरी रॉड कवर हो गई। X स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं, X की पावर -1/-1, -1 बाहर आ गया, X की पावर -1 इज 1/x, एक बार अपर लिमिट R प्लस L, एक बार लोअर लिमिट R, L से हम ले गए जो ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना, नॉट फॉर NCERT लिख लेना, ये स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन टाइप न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिर्फ कंपटीशन के लिए या नीट या मेंस के लिए, ठीक है, मैं पहले बता दूं कि स्कूल के लिए नहीं पढ़ के जाना। वैसे पूरी की पूरी शीट नॉट फॉर एनसीईआरटी है, इसमें पूरी शीट पे लिख लें, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, वो खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कई लोग ये सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये बड़ी ट्रबल है, जिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन लगती है ना, स्पेशली ये ट्रबल ना मेंस वालों को, नीट वालों को भी थोड़ा सा कम आता है, बेसिक यहाँ तक आता है, इसकी डीप में वो जाते नहीं है नीट वाले, मतलब तो बहुत बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हैं वो। नॉन मेडिकल वालों के लिए मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, एलिमेंट लो खुद, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, एक्स लो, लिमिट भी खुद लगाओ, एलिमेंट भी लो, ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है, और बड़ी इरिटेशन भी होती है कि यार ये क्वेश्चन ना आए बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चंस मेंस में या कंपटीशन में आते हैं
वो ना बहुत लिमिटेड स्कोप के हैं। मतलब अगर मैं +2 +2 की बात करूं, मुझे नहीं लगता कि 6 और 7 क्वेश्चन के ऊपर, 6-7 क्वेश्चन कह रहा हूँ टोटल +2 के अंदर, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला है आपके पेपर में। स्फेयर आ सकता है, रॉड आ सकती है, शेल आ सकता है, या सॉलिड स्फेयर है, सिलेंडर है, इसके ऊपर तो फिगर ही चेंज नहीं होती। तो वही 5-7 फिगर्स घुमा घुमा के आती हैं। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका सब में सेम है। जैसे आज आपने सीख लिया रॉड और पॉइंट चार्ज में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बस मिलता जुलता ही आएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही टेढ़ी इंटीग्रेशन आ गई अब कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होता। मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो मतलब इतना ना वरी करें कि अगर नया क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको। नॉन मेडिकल वालों को तो इंटीग्रेशन मैथ वाले भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कि पहला स्टेप कैसे लेना है बस ये चीज़ देखनी होती है। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन जो हम करेंगे उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, और जब आप पुराने पेपर करेंगे आप वहाँ लगा सकेंगे। ये पुराने पेपर्स नहीं हैं और कुछ भी नहीं है, मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक, मतलब ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड फिगर्स नहीं आएंगे, तो इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सीखें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर रॉड और पॉइंट चार्ज होगा तो क्या करना है, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये नहीं अभी करना हमने, कुछ नहीं करना, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन को एक बार देखें। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ना थोड़ा सा आपको SHM का 5 मिनट लगा के ना रिवाइज कराना पड़ेगा, उतना कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। हालांकि आप लोगों ने SHM किया हुआ है, बट नॉर्मली +2 में आते आते लोग भूल भी जाते हैं और याद नहीं रहता कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सिर्फ और सिर्फ दो बातें। पहली, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, हार्मोनिक मोशन वर्ड आ रहा है, हार्मोनिक मोशन उसे बोलते हैं जो कि साइन या कॉस से बनी होती है। पहला रूल, हार्मोनिक मोशन के अंदर साइन कॉस आता है जो कि पीरियोडिक इन नेचर है। मैथ्स में कितना भी एंगल ले लें, साइन थीटा वैल्यूज को रिपीट करता है, कॉस थीटा भी वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और वह टू एंड फ्रो मूव कर रही है, डिस्टर्ब हो गई और आप वो मूव कर रही है दो एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में, तो पहली चीज किसी भी SHM को प्रूव करने के लिए कि कोई बॉडी SHM में है, सबसे पहली चीज ये देखनी होती है क्या उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है या नहीं। अगर आपने एक इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई बॉडी को हिला दिया, मीन पोजीशन से हिला दिया और छोड़ दिया, अगर तो देखो वो वापस आ गई अपने आप, उसके अंदर फोर्स डेवलप होगी वापस आने की, तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है। और अगर वो वहीं रहेगी या साइड पे निकल गई, वापस नहीं आई अपने आप, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। तो अगर मैं एक स्प्रिंग लूं और मास अटैच करूं और स्प्रिंग मास सिस्टम को मूव करूं और छोड़ दूं, तो वो वापस आएगा, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। पेंडुलम में अगर मैं एक धागे को यहाँ ले जाऊं बॉब को और छोड़ दूं, तो बॉडी वापस आएगी आएगी, तो उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर आप किसी भी बॉडी को प्रूव करना चाहते हो कि वो SHM में है, तो आपको क्या चीज़ देखनी है, उसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछेगा कोई एग्जाम्पल दे के कि बताओ ये SHM है या नहीं है। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मान लो आपके पास इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, या कैपिटल क्यू चार्ज की जगह मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पहले ये एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आपके पास ये -Q -Q दो चार्जेस हैं, ये लेता हूँ, ठीक, फिक्स्ड है, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और सपोज ये 2A,0 एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कोई पॉइंट, और यहाँ पर एक चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। पहले ये कैपिटल क्यू उसके सेंटर पे पड़ा हुआ था, इमेजिन करो यार, अगर ये मान लो कैपिटल क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो -Q इसे क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, -Q इसे क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, नेट फोर्स क्या हो गई, कैंसल जीरो, ये रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था, पर आप गए, आपने इसको यहाँ मूव करवा दिया और छोड़ दिया। अब सोचो जैसे ही छोड़ा, इस -Q ने इसे अट्रैक्ट किया, इस -Q ने इसे अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स इधर बनेगी, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा थीटा इमेजिन करें तो एफ के दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एफ कॉस एफ साइन, इस एफ के कॉम्पोनेंट बनेंगे एफ कॉस एफ साइन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
नेट फोर्स कहाँ आएगी? टुवर्ड्स सेंटर। मतलब ये मानना पड़ेगा कि ये चार्ज वापस आएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 2f cos थीटा। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन में आपसे कोई मैथ नहीं पूछेगा, ये तो आपको समझाने के लिए लिख के लाया हूं मैं। क्वेश्चन तो थ्योरी में आएगा, क्वेश्चन आएगा बताओ क्या ये चार्ज, जो ये चार्ज है कैपिटल क्यू, क्या ये SHM में होगा या नहीं होगा? कितने लोग मार्क करेंगे? होगा। कितने करेंगे? नहीं होगा। मैं कह नहीं सकता अभी भी, नहीं कह सकते अभी भी। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि किसी भी बॉडी को ये डिक्लेयर करना कि SHM में है, दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, उसमें क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी, मैथमेटिकल कंडीशन भी होनी जरूरी है जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो? प्रोपोर्शनल। अगर वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलेरेशन या फोर्स, एक ही बात है। इनमें से अगर ये दो कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं, प्रोपोर्शनैलिटी भी चेक हो जाती है, हाँ अब वो SHM में है। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन तो चेक करवा दी कि क्या इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, आपने कहा होगी, लेकिन वो एक कंडीशन है। क्या आपका दूसरी फेल हो जाए? तो आपको दूसरी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, इमेजिन करो जब ये कैपिटल क्यू पास आ रहा होगा, इसका डिस्टेंस 2a से कम हो जाएगा। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये डिस्प्लेसमेंट क्या रह गई? x। माइनस q ने q को खींचा, माइनस q ने फोर्स लगाई, थीटा थीटा, f cos f sin कैंसल, रिस्टोरिंग फोर्सेस 2f cos थीटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन स्टैंड फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिजल्टेंट नेट फोर्स आ गई। फोर्स की वैल्यू अगर ये x है, ये a है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन दिस टर्म। और फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में क्या होगी? मैग्नीट्यूड में 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q मैग्नीट्यूड अपॉन इसका स्क्वायर। तो ये देखो, फोर्स की जगह 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू माइनस q का मैग्नीट्यूड बाय इसका स्क्वायर, और cos थीटा की जगह x अपॉन गेरा, ये टर्म आ गए। तो वैल्यूज मैंने पुट की, आपने कुछ नहीं करना, आपसे कोई करवा के नहीं देखेगा, चिंता ना करो, रिलैक्स हो जाओ, आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है इसमें। तो ये टर्म क्लियर है यहां तक, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो 3/2 हो गई, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई। क्लियर है? कितने लोग एग्री करते हैं कि जो रिजल्ट रिस्टोरिंग फोर्स है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? चेक करो, नेगेटिव साइन और x भी आ गया, हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन? यस कि नो? यस तो, यस तो फिर मुझे पता नहीं, नो क्यों? क्योंकि नीचे भी तो x है, ये देखो x स्क्वायर, ये कौन सा कट रहा है? अगर नीचे x ना होता ना, हाँ फिर मैं कह सकता था f इज प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन, पर क्योंकि नीचे भी x है, अब मैं कैसे बोलूं? तो इसलिए f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन। अब ऑब्जेक्टिव आएगा, सेम डायग्राम देगा, आपसे केवल इतना ही पूछेगा क्या ये SHM में है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा कि ये चार्ज की मोशन SHM में नहीं है, क्योंकि f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर में x है, तो नो लिखना है। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? आप लिखेंगे हाँ ये पीरियोडिक हो सकता है, पर ये SHM नहीं हो सकता। एक आंसर, यहां तक क्लियर है? मैं अगला पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मुझे पता नहीं वो क्या आएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आएगा, कंडीशन देगा कि गिवन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स। देखो ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, और अगर ये बहुत बड़ा है एक्स से, तो डिनोमिनेटर में एक्स कैन बी निग्लेक्टेड, लेकिन ये तभी निग्लेक्ट हो सकता है अगर वो क्वेश्चन में बोले कि ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में से मैं तो एक्स हटा दूंगा। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स? मैं बोल सकता हूं। तो अब क्या ये SHM में होगा? अब मार्क करेंगे हाँ ये SHM में होगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत लोग ये डाउट लेके आते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं, तो सर बताना जरा, मुझे पता ही नहीं लग रहा SHM में होगा कि नहीं होगा, मेरे को तो लग ही जा रहा है होगा। फिर
फिर मैं सिर्फ एक ही चीज चेक करता हूँ, क्या ये कंडीशन गिवन है? अगर तो गिवन है, दूर से चेक कर लूंगा, मैं कहूंगा देख ये एस एच एम में होगा, फिर अगला क्वेश्चन ले जाएगा, सर देखो देखो इसमें तो एस एच एम में होगा नहीं, कहूंगा देख इसमें होगा नहीं, वो सोचेगा क्या बात है यार, क्या टीचर कमाल है यार, ये कैसे देख लेता है यार, मेरे को भी सिखाओ। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये मैंने सॉल्व कर रखा है और ये ट्रिक मैं देख लेता हूँ कि अगर वो ये जो कंडीशन लगाता है ज्यादातर क्वेश्चन में वो एस एच एम में आ जाती है, और ये नहीं लगाता तो एस एच एम में आती नहीं, ओनली पीरियोडिक मार्क करना होता है। तो ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, जब आप घर जाके अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स करेंगे आपको मिलेगा रास्ते में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, तो आपको अपने आप आइडिया लगेगा करने से एस एच एम में होगा कि नहीं होगा। तो यहां तक आपको कोई मैथमेटिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आपको आंसर याद हो गया कि कैसे चेक करना है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि चलो एस एच एम में है क्योंकि मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अब उसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, फिर आपको मैथमेटिकली यहां तक करना है, फोर्स को एक स्टेप में पुट करना है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास डिनोमिनेटर में आएगा, एस एच एम में तो आ गया क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन है, एस एच एम की इक्वेशन लिखेंगे, एक्स का जो कोफिशियंट है वो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, इसे इसे इक्वेट करके ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा 2 पाई बाय टी लिखना है और फिर सॉल्व करके टाइम पीरियड निकाल देना है। वो अलग पार्ट है जो कि एक्सपेक्टेड मेंस वालों को है, नीट वालों को तो नहीं है कम से कम, या इतना बड़ा नीट वाले कैसे करेंगे, लेकिन ये तो बता सकते हैं एस एच एम होगा या नहीं होगा, मेंस वालों के लिए है। एनसीईआरटी, ये शीट एनसीईआरटी की नहीं है, लगी रहे वैसे भी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कैसे चेक करने ऑब्जेक्टिव में? अब एक ये क्वेश्चन है आपको इसमें मिलेगा, ये आपके पुराने एग्जामिनेशन में मिलता है, जिसमें कि ये गिवन है कि तीन चार्जेस हैं, ठीक है, ये मैंने अभी जो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 थी उसमें होमवर्क भी दिया आपको वैसे करने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, ठीक, तीन चार्जेस हैं, माइनस क्यू थ्री, माइनस क्यू वन और ये क्यू टू, इस टाइप के तीन चार्जेस हैं। तो कैसे, ये देखो, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आपको तीन चार्जेस कुछ ऐसे गिवन है। एक जो चार्ज है देखो वो यहां कहीं गिवन होगा, एक चार्ज आपको यहां कहीं गिवन है, चेक कर लो ये कितना है, माइनस क्यू टू है, चेक करो ये कितना है, माइनस नहीं ये प्लस क्यू वन है, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ बी है, ये माइनस क्यू वन है और ये माइनस क्यू थ्री, ऐसी है क्या, ऐसे ही है, और डिस्टेंस कितना है ए, ये एंगल क्या है थीटा। आपको इसमें फोर्स निकालने को कहेगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट किसके ऊपर, ऑन चार्ज माइनस क्यू वन, माइनस क्यू वन पे नेट फोर्स क्या होगी वो पूछेगा पहला क्वेश्चन। जब वो कह रहा है कि माइनस क्यू वन की फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर में कहां ड्रॉ करूंगा, माइनस क्यू वन पे करें स्टार्ट। तो माइनस क्यू वन को कौन रिपेल करेगा, देखें माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितनी फोर्स के मैग्नीट्यूड से करेगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू थ्री डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, इतनी फोर्स से रिपेल करेगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख लिया। नेक्स्ट है ये क्यू टू, ये जो क्यू टू है ये माइनस क्यू वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कितनी फोर्स से करेगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, फिर से माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू वन को रिपेल करेगा, प्लस क्यू टू माइनस क्यू वन को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स में तो साइन लेते नहीं है, वो तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो नेट फोर्स की जगह उसने क्या पूछा, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स का मतलब वो नेट फोर्स जो कहां एक्ट कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखें कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ये तो एक्ट कर ही रही है एक्स एक्सिस पे, ये जो फोर्स है इसके मुझे क्या लेने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, इसका एक कंपोनेंट कॉस इधर आएगा और साइन इधर आएगा, तो इस फोर्स का साइन कंपोनेंट क्या होगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू थ्री
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? कॉस मैंने लिया ही नहीं, इधर कॉस आएगा, मैं साइन ले रहा हूं क्योंकि मेरे को एक्स कॉम्पोनेंट बोला तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट मैंने ले लिया। कोई डाउट इसमें? तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अगर मैं पूछूंगी नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है, तो 1/4 pi epsilon naught। इन दोनों को ऐड कर दे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो कितना आएगा? q1 q3 sin थीटा बाय a स्क्वायर प्लस q1 q2 बाय b स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? x कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स में इसमें से और भी टर्म कॉमन आएगी, 1/4 pi epsilon naught, q1 कॉमन आ गया, q3 इनटू साइन थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस q2 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। या तो वो पूछेगा x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितनी है, ये आंसर मार्क कर देना, लेकिन आपको जो पेपर में आया था क्वेश्चन वैसा था, प्रोपोर्शनल किसके है, तो उसने पूछा था x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है, और उसमें से ये एक ऑप्शन था, ये मार्क कर देना है। उसने ये उड़ा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कुछ भी पूछ सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी में ये पूरी टर्म आ रही थी, तो ये आंसर मिलेगा आपको। जो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 दी ना, उसमें सेम क्वेश्चन मिलेगा, ट्राई करना, ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी में ये आंसर मार्क करना है। तो मेरा काम था एक्स कंपोनेंट में फोर्स बताना, तो मैंने बता दिया एक्स कंपोनेंट फोर्स क्या एक्ट करेगी। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स पहले नेट फोर्स निकलेगी, रादर यहां तो नेट भी नहीं निकली, यहां तो दो फोर्सेस निकली और उसका एक्स कंपोनेंट हमने निकाल दिया और ऐड कर दिया, बिकॉज टू फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऐड करके डन हो गया। यहां तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, प्रोपोर्शनल टू। तो पुराने पेपर्स में मेंस और नीट में आपको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो कैसे करने समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चन सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। फिर से सेम क्वेश्चन, मान लो इस बार एक थिन रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, इसके पहले सेंटर पे था पर मैंने इधर ले गया मैं और छोड़ दिया। अब पूरी रिंग का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा। क्या ये मोशन SHM में है कि नहीं? सेम क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये चार्ज को ये खींचेगा, सेंटर पे तो रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, बिकॉज मोमेंटम है इसके पास। फिर पॉजिटिव चार्ज फिर से खींचेगा, तो टू एंड फ्रो मूव करेगा। क्या ये SHM है? अगर ये कंडीशन लिखी हो कि एक्स ए वेरी मच ग्रेटर देन एक्स, तो हाँ ये SHM है। मैंने क्या बोला था, मैं यही ट्रिक चेक करूंगा। और अगर नहीं लिखी तो फिर ये पीरियोडिक है पर ये SHM नहीं है। सेम आंसर है इसका भी, सेम। आप मैथमेटिकल प्रूफ देख रहे हैं तो दिखा देता हूँ, वैसे आपको थ्योरी में आंसर देना तो आ गया कैसे करना है। इसको करने के लिए क्या करना होता है, रिंग के ऊपर कूलम लॉ तो लगेगा नहीं, वो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं रिंग के एलिमेंट्स लेते हैं। रिंग के दो एलिमेंट्स ले लिए, टोटल चार्ज रिंग पे क्यू है। रिंग में ना जो एलिमेंट्स लेने हैं वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेने चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ और एक यहाँ, दो इकट्ठे लेने चाहिए रिंग में हमेशा। उसका रीजन है क्योंकि ये इस माइनस चार्ज को यहाँ खींचेगा, ये चार्ज भी माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि रिंग का स्मॉल चार्ज लिया तो फोर्स भी स्मॉल होगी डीएफ, स्मॉल चार्ज या स्मॉल फोर्स होगी डीएफ। डीएफ के दो कॉम्पोनेंट होंगे कॉस एंड साइन, साइन साइन कैंसिल, तो नेट फोर्स जो रिस्टोरिंग बनेगी वो 2dF cos थीटा बनेगी। प्रॉब्लम है इसमें एक, क्या 2dF cos थीटा बनेगी नेट फोर्स? क्यों? क्योंकि रिंग के कितने एलिमेंट्स लिए गए सिर्फ अभी, तो पूरी रिंग पड़ी है, उसकी फोर्स कौन लेगा? ये नेट फोर्स थोड़ी ना है, ये तो दो एलिमेंट की फोर्स है। तो दो एलिमेंट ने क्या, दो एलिमेंट अगर हम दो दो करके एलिमेंट लें तो साइन कॉम्पोनेंट हमेशा डायमेट्रिकली आप उसमें क्या करता जाएगा, कैंसल, कॉस कॉस ऐड होता जाएगा। दो एलिमेंट लिए, इसका साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस इधर आ गया, ऐसे ही हुआ ना, ये आपके सामने है। मैं दो एलिमेंट और ले लेता हूँ, उसका भी साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं चार एलिमेंट लूंगा तो 4dF cos थीटा, मैं दो लूंगा तो 2dF cos थीटा, मैं एक लूंगा तो 1dF cos थीटा। तो हम एक काम करेंगे, सिंगल 1dF cos थीटा लेंगे और पूरे रिंग के लिए नेट फोर्स निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट।
तो एक एलिमेंट की फोर्स ली, टोटल फोर्स निकालने के लिए इसकी इंटीग्रेशन, और यही कैट करेगी इसकी रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स। तो डीएफ का फॉर्मूला तो वही लगेगा इसमें, 1/4πε0 डीक्यू इनटू क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, वो जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था ये मैंने पुट कर लिया, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। बाकी सेम प्रूफ है, कुछ करना ही नहीं है, ये मैंने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, बस फर्क ये है इस बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू एट डी एक्स नहीं है, और डी क्यू में चार्ज की लिमिट लगेगी, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, जीरो से क्यू, ये क्यू चार्ज है, जीरो से कैपिटल क्यू, वन डी क्यू क्यू आंसर होगा, ये आंसर आएगा। तो अगर ये कंडीशन ना गिवन हो तो सिंपल पीरियोडिक है, ये कंडीशन गिवन है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, तो आपने क्या मार्क करना है, ये एस एच एम है, नहीं आएगा मैथमेटिकल प्रूफ, नथिंग टू वरी, कुछ करवा के देखना नहीं है किसी ने आपसे, बस यही पूछ रहे हैं एस एच एम होगा या नहीं होगा, तो उतना आंसर दे पाएंगे, सफिशियंट है, चाहिए ही नहीं है, ये चिंता ना करो, घबरा मत जाना कि यार ये करना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। और अगर करना पड़ा तो और भी आपकी टेंशन लीव कर सकता हूं मैं, ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन बनने वाली है, अभी 2-3 लेक्चर रुको, ऐसे तो आम बात होगी एनसीईआरटी, तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, ये प्रूफ आप सब ठीक हो जाएंगे अभी, ठीक, क्योंकि आपका जो 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 रिंग वाले पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होना है, ये पूरी डेरिवेशन है एनसीईआरटी की, तो अभी अभी जरूरत नहीं है, अभी तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप घर जाके यार एक्सप्लोर करेंगे बुक्स, तो आप फंसे ना। तो ये सभी शीट तभी लिखी गई हैं कि अगर स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या घर जाके करेगा तो ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकता है, तो एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम ठीक, नॉर्मल तो वैसे भी कर ही लेगा, यहाँ पर एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है यहाँ पर।